हेलो एवरीवन मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एम इंग्लिश क्लासेस पर दोस्तों आज मेरे साथ है इंग्लिश की एक बेहतरीन टीचर जो आपके लिए आज की इस ब्यूटीफुल स्टोरी को रीड करने वाली है हेलो एवरीवन दिस इज पूजा कपूर एंड आई एम गोइंग टू रीड टू स्टोरी फॉर यू फर्स्टली थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स गेट स्टार्ट द बेटर विनर दोस्तों तो आज की इस स्टोरी का नाम है द बेटर विनर मतलब विनर तो आपको पता ही होगा जीतने वाला और बेटर मतलब अच्छा तो अच्छा टटल एंड हैटल देखिए दोस्तों टटल तो आपको पता ही होगा टटल हम कहते हैं कछुआ को और टकी उसका नाम है तो टकी टटल एन हैरी हैरी एक नाम है और हेयर का मतलब तो है खरगोश यानी कि हैरी जो खरगोश टकी टटल और जो हैरी हेयर जो थे वरंट फ्रेंड्स ये दोनों जो थे मित्र नहीं थे फ्रेंड्स नहीं थे हैरी ट्रबल टकी एंड शोर ऑफ इन हिज ब्रांड न्यू शाइनी कार हैरी ट्रबल किया करता था ट्रबल का मतलब होता है परेशान करना हैरी ट्रबल किया करता था परेशान किया करता था टकी को एंड शोड ऑफ देखिए दोस्तों शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना शोड ऑफ यानी कि दिखावा किया करता था इन हिज ब्रांड न्यू शाइनी कार अपनी नई ब्रांड शानी कार का विच कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड जो कि एक पक्षी की तरह उड़ सकती थी ही मेड old ऑफ टकी cycle ही मेड fun मतलब वह मजाक उड़ाया करता था ऑफ टकीज़ ओल्ड एंड पुरानी रिकेटी का मतलब उड़ाया करता था he taunted him whenever he had a chance. दोस्तों यहाँ पर टोंट का मतलब है ताने मारना ही टोंटेड यानी कि चिड़ाना ताने मारना वह उसको ताने मारा करता था whenever he had a chance ही भी उसको मौका मिलता था वन डे

So कि फास्ट उसने इतनी तेज गाड़ी चलाई नियर टकी टकी के पास दैट ही और दोस्तों पैनिक का मतलब घबराना उसने इतनी तेज आ, मतलब ड्राइव किया कि वह घबरा गया लॉस्ट बैलेंस एंड फेल इनटू अ पूल ऑफ मरी वाटर अपना बैलेंस खो दिया और वह गिर गया फेल इनटू मतलब गिर गया पूल पूल मतलब एक तालाब में और वो तालाब थी ऑफ मडी वाटर यानी कि कीचड़ की आप कह सकते हो His cycle was damaged too. उसकी साइकिल भी डैमेज्ड हो गई चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं Harry lowered the glass off his window and shouted. हैरी ने लोअर किया अब यहाँ पर लोअर का मतलब क्या है लोअर का मतलब यहाँ पर नीचे करना और ग्लास तो आप समझते हो कांच शीशा तो हैरी लोअर्ड द ग्लास ऑफ ए विंडो यानी कि हैरी ने अपने ग्लास को यानी कि अपनी विंडो के ग्लास को नीचे किया एंड शाउटेड और चिल्लाया से गुड बाय टू योर रैकेटी साइकिल टकी टकी से वो बोला कि से गुड बाय टू योर रैकेटी साइकिल यानी कि अपनी अपनी साइकिल को बाय बाय कह दो टकी वाज एंग्री एज ही न्यू हैरी डिड दिस ऑन पर्पस टकी वॉज एंग्री यानी टकी जो था वो एंग्री था क्योंकि ही न्यू वह जानता था Harry did this on purpose, Harry जान के ने जान बुझ करके किया था he growled. अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ग्राउल का मतलब क्या होता है देखिए ग्राउल का मतलब होता है चिल्लाना जब कोई जानवर ग्राउल करता है तो मतलब वह चिल्लाता है यानी कि ही वह चिल्लाया चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं इस प्यारी सी स्टोरी में क्या कुछ है आपके लिए डोंट बी सो प्राउड ऑफ योर कार यानी इतना घमंडी मत बनो इतना घमंड मत करो माई साइकिल it दोस्तों माई साइकिल मे बी ओल्ड मेरी साइकिल भले ही

अगर तुम्हें ऐसा लगता है then let's race, तो मतलब कर कर लेते हैं। This will prove which is better. और ये साबित देगा कि which is better, कौन better है, कार या साइकिल मॉली माउस बॉबी मंकी एंड हैन गैदर अराउंड बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी है देखिए उनको देख करके उनको झगड़ते हुए देख करके सिंग देम क्वेरलिंग क्वेरल कर दो यहाँ पर झगड़ना उनको झगड़ते हुए देखकर उनके जो दोस्त थे उनके जो फ्रेंड्स थे कौन कौन थे एक तो मॉली माउस बॉबी मंकी एंड मोंटी हैन गैदर गैदर का मतलब इकट्ठे हो गए अराउंड देम उनके पास उनके चारों ओर मॉली सॉ हैरीज न्यू कार एंड ट्राइड टू मोली सो है की नई कार को देखा दोस्तों परसुएड का मतलब होता है समझाना और उसने टकी को समझाने की कोशिश की डोंट चैलेंज हिम हिस कार इज फास्ट डोंट चैलेंज हिम उसको चैलेंज मत करो His car is too fast. उसकी कार बहुत फास्ट है मतलब यहाँ पर हराना बट टकी रिप्लाइड लेकिन टकी ने रिप्लाई किया उत्तर दिया आईड ऑफ हिम टीजिंग मी डेली मैं थक गया हूँ डेली डेली उसके टीज करने से वेदर आई विन और लूज या तो मैं जीतू या हारू आई टू सेटल इसको सेटल करना चाहता हूं आज और हमेशा के लिए so, एंड सो टकी was रेडी टू रेस अगेंस्ट हैरी इसलिए टकी रेडी था तैयार था रेस करने के लिए हैरी के अगेंस्ट हैरी मतलब हैरी के अगेंस्ट रेस करने के लिए वह तैयार था

बिफोर स्टार्टिंग द रेस रेस के शुरू होने से पहले पीकू ने प्रिंट किया था एक लिस्ट और वो लिस्ट थी रूल्स की एंड हैंडेड इट आउट और उसने ये उनको थमा दी हैंडेड का आउट मतलब उनको थमा देना हैरी इग्नोर द रूल्स ही सैर आई नो ऑल द रूल्स हैरी ने ये रूल्स इग्नोर कर दिए उसने कहा कि मैं ये सभी रूल्स जानता हूँ दोस्तों चलते हैं आगे और देखते हैं इस कहानी का अंत आखिर कहां लेकर के जाता है आई डोंट नीड टू रीड दैम टकी वेंट थ्रू द रूल्स केयरफुली मुझे उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है टकी वेंट थ्रू द रूल्स केयरफुली टकी देखिए अब गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना कोई चीज ऐसी मतलब जैसे आपको रूल्स पढ़ने हैं कोई भी बुक पढ़नी है तो वहां पर रीड की जगह आप गोथ्रू का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंग्लिश में चार चांद लग जाएंगे तो टकी वेंट थ्रू द रूल्स केयरफुली टकी ने सारे रूल्स बहुत ही ध्यान पूर्वक केयरफुली पढ़े द रेस वॉज अबाउट टू बिगिन रेस शुरू होने वाली थी एंड टकी were रेडी एट द स्टार्टिंग लाइन हैरी और टकी दोनों तैयार थे स्टार्टिंग लाइन पर। टकी वाज वेयरिंग अ हेलमेट। टकी एक हेलमेट पहने हुए था। हैरी टीज्ड हिम एंड सेड। हैरी ने उसको टीज़ किया, टीज़ का मतलब चढ़ाया और कहा। इट लुक्स लाइक यू हैव अ शेल ऑन योर हेड आल्सो। इट लुक्स ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो हेड है तुम्हारी जो खोपड़ी है उसके ऊपर भी शेल लगा हुआ है दोस्तों आपको पता होगा जब आप टर्टल को देखते हैं कछुए को देखते हो तो उसकी पीठ पर एक मोटी परत इसकी टाइप की होती है जिसको आप इंग्लिश में शेल कहते हैं और हिंदी में आप उसको खोल कह सकते हैं तो उसने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे हेड पर भी एक शेल है टकी इग्नोर हिम एंड ट्राइड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द रेस टकी ने इग्नोर कर दिया उसको और कॉन्सेंट्रेट किया अपनी रेस पर सोन पीकू फ्लू इन एंड जल्दी ही पीकू फ्लू मतलब पीकू उड़ा जो कबूतर था उसका नाम है पीकू आपको याद होना चाहिए तो पीकू मतलब फ्लू इन वह उड़ा एंड विसल्ड का मतलब सीटी बजाना विसल्ड सीटी बजाई टू तो स्टार्ट द रेस रेस को शुरू करने के लिए

हैरी ने रेड लाइट को देखा बट डिड नॉट अबाउट इट लेकिन वह इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हुआ He the signal and sped towards the finishing line. उसने सिग्नल को तोड़ दिया किसने तोड़ दिया हैरी ने एन स्पैड और स्पीड की है, है. तेजी से जाना स्पैड मतलब तेजी से गया टूवर्ड्स द फिनिशिंग लाइन फिनिशिंग लाइन की तरफ बट वेन टकी रीज द सिग्नल लेकिन जब टकी सिग्नल के पास पहुंचा ही स्टॉप एज ही रिकॉर्ड वॉट वॉज रिटर्न ऑन द रूल शीट वह रोका ही स्टॉप्ड क्योंकि ही रिकॉर्ड उसने मतलब उसको याद आ गया वॉट वॉज रिटर्न ऑन द रूल शीट यानी कि रूल शीट पर जो लिखा हुआ था वो याद आ गया वह पर रुका जब तक लाइट ग्रीन ना ना हो 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 गई। Tucky as fast as he could. ने किया। जैसे आप साइकिल चलाते ना, पेडल करते अपने पैरों से उसी को पैडल बोला जा रहा है टकी ने पैडल किया जितना तेज वह कर सकता था उतना तेज But Harry had reached the finishing line। लेकिन जैसे कि आप समझ सकते हैं फिनिशिंग लाइन के पास पहुंच गया था सिंग टकी अराइविंग हैरी सेड देखो सिंग टकी अराइविंग यानी कि टकी के आने पर टकी को आते हुए देखकर हैरी ने कहा I had told you that my car was better than your rickety cycle. मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी कार तुम्हारी बेकार साइकिल से तुम्हारी जो जर्जर साइकिल है उससे बहुत अच्छी है

इफ यू आर ड्राइविंग अ फोर व्हीलर यू हैव टू पुट ऑन दीट बेल्ट अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हैं चार पहिये की गाड़ी आप चला रहे हैं यू हैव टू पुट ऑन दीट बेल्ट तो आपको सीट बेल्ट बांधनी होती है वेन यू अप्रोच अ ट्रैफिक सिग्नल जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचते हैं स्टॉप योर व्हीकल इफ यू सी द रेड लाइट एंड ड्राइव ओनली इफ इट इज ग्रीन तो आपको अपने व्हीकल को रोकना होता है यदि आप रेड लाइट देखते हैं और आपको चलाना होता है केवल तब जब आपकी जो लाइट है वो ग्रीन हो जाती है विनर इजी शाबाश देखिए यहाँ पर बड़े मजे आ गए हैरी हेयर जो खरगोश था डिड नॉट ओबे द रूल्स उसने रूल्स को फॉलो नहीं किया था ओबे का मतलब तो मानना उतन तो मतलब उसने रूल्स को नहीं माना था और इसलिए देयरफॉर का मतलब है इसलिए द विनर इज टकी टर्टल और इसलिए विनर बना टकी टर्टल कछुआ टकी वाज अमेस्ड एंड हैरी वाज डिसअपॉइंटेड टकी वाज अमेस्ड टकी अमेस्ड था आश्चर्यचकित था और हेरी डिसअपॉइंटेड निराश था मौली बॉबी एंड मोंटी एम्ब्रेस्ड and cheered for Tucky. Molly, Bobby and Monty embraced. देखिए embrace, embrace का मतलब गले लगाना and cheered for Tucky और उन्होंने पहले उसको गले लगाया और उसको cheer भी किया उसकी मतलब जयकारे लगाए उसके लिए वाह भी की Harry hung his head low. Hang, hung his head low. Harry hung his head low. Harry ने अपने हाथ को नीचे मतलब लटका लिया but before he could leave turkey said but before he could leave lekin isse pehle ki woh matlab jata turkey ne kaha don't be sad harry naraz mat ho gussa mat ho harry you know how to drive fast तुम्हें पता है कि गाड़ी को फास्ट कैसे चलाते हैं बट अलॉन्ग विद स्पीड कम्स responsibility. लेकिन speed के साथ कुछ

इन शब्दों ने कंफर्ट कर दिया मतलब हैरी को आराम दे दिया हु प्रोमिस्ड जिसने प्रोमिस किया कि ही विल नॉट ट्रबल टकी अगेन कि वह टकी को फिर से ट्रबल नहीं करेगा परेशान नहीं करेगा तो दोस्तों हमारा लेसन यहीं पर समाप्त होता है फिनिश होता है उम्मीद करता हूं कि आपने ये स्टोरी इन्जॉय की होगी तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय एंड जय हिंद बाय